हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का सीरा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और नई नई रेसिपी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आधा कप सूजी, आधा कप चीनी और आधा कप घी हमने ले लिया है। अब हमें एक सूजी का सीरा बनाने के लिए एक पैन लेना है और पैन में हमें सूजी को 2-3 मिनट तक भून लेना है। सूजी को भूनने से उसमें जो कच्चापन होता है सूजी का वो निकल जाता है, चला जाता है। इसलिए हम उसको 2-3 मिनट तक हमें उसे रोस्ट करना है। सूजी को भूनने से सूजी का जो सीरा है वो बहुत ही खिला खिला लगता है, इसीलिए हमें सूजी को भूनना होता है। और एक पतीला लिया है हमने, उस पतीले में हमने 3 कप वाटर लेना है। जितनी सूजी ली थी उससे हमें 3 गुना वाटर लेना है। देखिए, हमने 3 गुना वाटर ले लिया है और उसमें हमें अब जो हमने चीनी ली थी वो चीनी हमें उस वाटर में ऐड कर देनी है। देखिए, अब हमें उसे स्टर करते जाना है, चीनी और वाटर को स्टर करते जाना है। हमें उसकी चाशनी नहीं बनाई, उसको स्टर करके जाना है। अब हमने इसमें केसर डाल दिया है। केसर ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। केसर और चीनी को हमें स्टर करते जाना है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारी सूजी भून रही है। देखिए, सूजी में थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है और इसे हमें थोड़ा सा लो फ्लेम पर ही स्टर करना है। अब हमारा जो केसर और चीनी वाला जो मिश्रण था उसमें हमने 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डाल दिया है। अब हमें इस 3 चीज़ों को प्रॉपरली स्टर करते जाना है। देखिए, जब तक हमारी चीनी पूरी तरह पानी में घुल नहीं जाती तब तक हमें इसे स्टर करते जाना है। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसको सिर्फ हिलाते रहना है जब तक ये पूरी तरह से घुल नहीं जाती। अब यहाँ हम देख लेते हैं फिर से, हमारी सूजी में थोड़ी थोड़ी हमारी सूजी भुन चुकी है। जब भी हमारे घर में कोई फेस्टिवल, कोई पूजा या वे कुछ मीठा खाने का पसंद होता है तो हम अक्सर हमारे घर पे ये सीरा बनाते हैं। ये सीरा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप प्लीज़ अपने घर पर ये सीरा बनाइए। देखिए, इसे हमें लो फ्लेम पर ही स्टर करते जाना है जब तक इसका पूरा कच्चापन निकल नहीं जाता। और यहाँ पर हम देख लेते कि हमारी चीनी घुल चुकी है या नहीं। तो देखिए, ये चीनी, केसर और इलायची पाउडर तीनों मिश्रण में थोड़ा, इन तीनों का कलर भी अब पानी में थोड़ा चेंज होने लगा है। तो अब हमने जिस पैन में सूजी को पहले रोस्ट किया था, भुना था, उसी पैन में हमें अब उसे सूजी का प्रॉपर हलवा तैयार करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे घी। घी हमने थोड़ा बचा के रखा है क्योंकि हम अब बाद में डालेंगे। तो जो हमने सूजी को भून लिया था वो सूजी को हमें घी में ऐड करना है। देखिए, हमने सूजी को घी में ऐड कर दिया है और बहुत ही अच्छी
खुशबू आने लगी है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से भुनना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे सूजी को भुनना है। सूजी का सीरा जब भुनने लगता है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और अब हमें इसे हिलाते रहना है। हमने पहले भी इसे 2-3 मिनट तक हिलाया था और घी में भी ऐड करके हमने इसे 2-3 मिनट तक पकाया है। तो देखिए अब हमारा सूजी का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। आइए अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ काजू बादाम ऐड किया है। आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट वो ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, और कई लोग रोस्ट किए हुए भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। घी में रोस्ट कर भी आप ड्राई फ्रूट को डाल सकते हैं। मैंने यहाँ रोस्ट किए बिना डाला है, तो आप रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं, हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। तो इस मिश्रण को हमें अब ये घी और जो भुने हुए शीरे का जो सूजी था उसमें डाल दिया है। देखिए इसमें पूरी तरह से बबल्स आना शुरू हो गया है। देखिए अब हमें इसे हिलाते रहना है, बहुत ही लो फ्लेम पर इसे हमें हिलाते रहना है। ये तब तक हमें हिलाते रहना है जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, क्योंकि सूजी का सीरा तभी अच्छा लगता है जब वो ठीक होता है, गाढ़ा होता है। तब तक हमें इसे हिलाते रहना है। अब हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने से सूजी का जो सीरा होता है वो बहुत ही टेस्ट में अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ इसमें मिल्क ज़रूर ऐड कीजिएगा। 3 कप वाटर और बाद में 1 कप मिल्क। देखिए अब हमने कवर कर लिया है। कवर करने से सूजी का सीरा जल्दी पकने लगता है, तो इसलिए हमने सूजी के सीरे को कवर कर दिया है। देखिए थोड़े थोड़े बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब हमने जो थोड़ा घी पहले बचा के रखा था वो हमने लास्ट में ऐड कर दिया है, और फिर से हमें इसको हिलाते रहना है जब तक ये पूरी तरह से कढ़ाई में से घी न छोड़ दे। तब तक हमें इसे स्टर करते रहना है और हिलाते रहना है इसे। देखिए ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस आप इसे लो फ्लेम पर हिलाते रहिए। देखिए अब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये एक ऐसी चीज़ है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। बस आपको इसे भून के इस तरह से अच्छी तरह से भूनना है, वो बहुत ही ध्यान रखना है, तो आपका शीरा बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए ये गाढ़ा होने लग गया है और कढ़ाई में से घी भी छूट रहा है। देखिए कितना खिला खिला लग रहा है ना शीरा। देखिए देखिए हमारा शीरा प्रॉपर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे अब सर्व करते हैं खाने के लिए।